हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप। प्रदीप डीजे ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज आ गए हैं आहूजा का एम्पलीफायर लेकर के। आहूजा DX-3502 का एम्पलीफायर के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं कि कितना टॉप चलेगा, कितना बेस चला सकते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सही, इसमें आहूजा का ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा। इस एम्पलीफायर में मेंशन किया गया है और एक ऑन ऑफ स्विच देखने को मिलेगा और एक बॉडी में DX-3502 उसमें मेंशन किया गया है और एक LED ग्लो करेगा जब एम्पलीफायर ऑन हो जाएगा। फ्रेंड्स, और दो वॉल्यूम देखने को मिल जाएगा, चैनल 1 चैनल 2 के लिए, और एक क्लिप कंट के लिए आपको दो LED ऊपर में देखने को मिल जाएगा और टैंप के लिए LED देखने को मिलेगा प्रोटेक्शन के लिए, और नीचे ग्रीन LED देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स, दो और दो ईयर पास के लिए दो इसमें देखने को मिल जाएगा साइड से, और दो हैंडल देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स आपको पीछे की ओर आप दिखाते हैं कुछ क्या दिया है इसके बारे में, और आपको पीछे बताते हैं आपको क्या क्या इसमें दिया गया है। फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। आहूजा का ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा DX-3502, और स्पोकन सॉकेट देखने को मिल जाएगा दो आउट के लिए स्पीकर बजाने के लिए, और एक फ्यूज और दो टर्मिनल देखने को मिल जाएगा माइनस और प्लस के लिए, और ब्रिज मोड देखने को मिल जाएगा, प्लस प्लस मिल करके ब्रिज मोड बनता है। फ्रेंड्स, और एक AC केबल इनपुट के लिए इसमें दो देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स, दोनों चैनल के लिए अलग अलग के लिए SLR दोनों मिल जाएगा, जैक देखने के लिए और एक अर्थिंग देखने के लिए मिल जाएगा, और ब्रिज मोनो और स्टीरियो देखने को मिल जाएगा। और चलिए फ्रेंड्स स्पीकेशन इसमें क्या दिया गया है। 8 ओम्स में 650 वाट प्लस 650 वाट RMS देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स, और 4 ओम्स में 1200 वाट देखने को मिल जाता है पर चैनल में, 1200 प्लस 1200। 2 ओम्स में 1750 वाट प्लस 1750 वाट देखने को मिल जाता है। ब्रिज मोड में आउटपुट देखने को मिलेगा फ्रेंड्स 8 ओम्स में 2400 वाट RMS में, और 4 ओम्स में 3500 वाट देखने को मिल जाएगा। डंपिंग फैक्टर इसमें दिया गया है 400, और बहुत ही हैवी इसमें पंच आपको देखने को मिल जाएगा। और कितना वाट का आप स्पीकर इसमें यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स, चलिए आपको दिखाते हैं। आहूजा DX-3502 पावर एम्पलीफायर 1750-1750 देखने को मिल जाएगा पर चैनल आउटपुट इसमें फ्रेंड्स, देख सकते हैं। और 400 वाट का स्पीकर इसमें दो चला सकते हैं फ्रेंड्स, इस वाले कैबिनेट में फिट करके, और इसमें कैसा चलाना है आगे आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स। आहूजा कंपनी का 400 वाट स्पीकर इसमें चार यूज कर सकते हैं, बहुत ही तगड़ा स्पीकर है यहाँ पर एम्पलीफायर, और मिड बहुत ही तगड़ा मिलेगा और पंच भी मिलेगा देखने को फ्रेंड्स। और एक चैनल में चार स्पीकर, एक चैनल में चार स्पीकर पैरेलल कनेक्शन करके आप इसमें कनेक्शन कर सकते हैं, और 2 ओम्स हो जाता है फ्रेंड्स, चार स्पीकर मिल करके एक 2 ओम्स बनता है, और 2 ओम्स में एम्पलीफायर स्टेबल है फ्रेंड्स, और एक चैनल में चार स्पीकर और एक चैनल में चार स्पीकर, आप कुछ इस प्रकार से आप चला सकते हैं फ्रेंड्स, और बहुत ही इसमें रिस्पॉन्स तगड़ा मिलने वाला है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स आपको आगे दिखाने वाले हैं कुछ किस प्रकार से कैबिनेट में फिट करके चला सकते हैं। RX-725 कैबिनेट में आप आराम से इसमें फिट करके दो दो स्पीकर करके और 80 वाट का HF आप आराम से चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है फ्रेंड्स। बहुत ही रिस्पॉन्स कुछ इस प्रकार से लगाइए, 400 प्लस 400 80 वाट का HF, एक चैनल में दो टॉप चलाइए और एक चैनल में दो टॉप चलाइए, बहुत ही रिस्पॉन्स इसका तगड़ा मिलने वाला है, कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। और आगे आपको हम 500 वाट के लिए आपको दिखाने वाले हैं कि 4 ओम्स में कैसा आप 500 प्लस 500 और 100 वाट का HF आप इसमें यूज करके एक एक चैनल में आप चला सकते हैं फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। एक चैनल में 500 वाट और 500 वाट दोनों मिला के 1100 वाट होता है फ्रेंड्स, 400 प्लस 400 80 वाट का HF इसमें आराम से चार टॉप चला सकते हैं। अगर बेस में आप 18 इंची में 650 वाट सब ऊपर एक चैनल में एक
और एक चैनल में एक चला सकते हैं। दो ही स्पीकर इसमें कंपनी दिया गया है, 8 ohms में 650 watt ही रिकमेंड करती है कंपनी फ्रेंड्स। और इसमें तो चलाने का आप ज़्यादा भी चला देगा, इसमें 1500 watt का यूज किए हैं फ्रेंड्स रिस्पॉन्स। और इसका वाइब्रेशन बहुत ही हेवी क्वालिटी का एम्पलीफायर है और बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स। आप कुछ इस प्रकार से आप दो इसमें बेस चला सकते हैं। इसका पंच जो देखने को मिलेगा बहुत ही तगड़ा देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। और यह वीडियो आपको अगर कुछ जानकारी मिला होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए, और इसका प्राइस आपको देखने को मिल जाएगा 45,000 से 48,000 के आसपास में फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।